एक तरफ शराब बेचने की है इजाजत तो दूसरी तरफ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम है जारी। शहर में पुलिस की तरफ से ड्रंकन ड्राइव का सिलसिला है जारी और इस दौरान अवाम की दिल बहलाई के वाकयात का सिलसिला भी है तेजी के साथ जारी। करंट की हालत में पकड़े जाने पर पुलिस के साथ बहजम बहजी के वाकयात भी है उरूज पर। जी हां, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस की तरफ से ड्रंकन ड्राइव का सिलसिला शहर भर में वक्फे वक्फे से जारी है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उल्टा पुलिस वालों पर ही बरहमी की जा रही है और फिर ऐसी हालत में अजीब व गरीब डायलॉग्स भी निकला करते हैं जो आवाम के लिए एंटरटेनमेंट का सबब भी बन रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला ये आदमी फुल टू करंट की हालत में रहता, इसीलिए वो इस हालत में खुद को बहुत ही बड़ा आदमी समझ बैठता है और ऐसी हालत में शायद खुद को वो किसी मुकाम का प्रिंस भी समझ लेता है, बस हवा में उड़ना बाकी रहता। इंग्लिश में तो बहुत ही आसानी से बात की जाती है, अगर कोई अंग्रेज भी इसकी अंग्रेजी सुन लेगा तो यकीनन शर्मिंदा होकर क्या कर लेगा नहीं मालूम, मगर इस भाई की अंग्रेजी में टॉकिंग वॉकिंग जॉकिंग वगैरह वगैरह जारी रहती है। इसी हालत में बस इस भाई की गाड़ी बातचीत करना बाकी रहता है, इसीलिए अवाम की हुकूमत से पुरजोर अपील है कि शराब पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर देना चाहिए, क्योंकि शराब इंसानी जानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। जिस तरह से शराब पीकर गाड़ी चलाना आवाम के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, बस उसी तरह से शराब पीना भी नुकसानदायक है। अगर शराब ही नहीं मिलेगी तो फिर इंसान पीकर गाड़ी कैसे चलाएगा, और फिर पकड़े जाने पर ऐसे मामलात भी पेश नहीं आते। 29 अगस्त पीर की रात को गोशा महल ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से पुराना पुल 100 फीट रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस दौरान एक नौजवान को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और इस नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसके साथ बदतमीजी और मारपीट भी की, जिसके बाद इस नौजवान की पूरी फैमिली भी यहाँ पहुँच गई और फिर पुलिस वालों की इस हरकत पर अपनी शदीद बरहमी का भी इजहार किया। तो चलिए देखते हैं इस वाकये की मजीद कहानी खुद इस वीडियो की जुबानी, जिसे देखने और सुनने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज हैदराबाद। मैडम बुला रहे, प्रोफेशनल की सही बात करना, मैडम बुलाए बोले ना आप। अभी कुछ किसी करके वीडियो लेना मतलब उस शहर से बुलाए गए भाई, चंद बुलाए बोले मैडम बोले कितना सही बात करते हैं आप। तो छह बजे है और कुछ ताके ट्राफिक कंट्रोल का बड़ा नॉलेज वाला बच्चा है वो, नहीं चाहता जी नहीं आता माँ मेरा बच्चा भी बाहर सा नहीं आता पढ़ा लिखा बच्चा है, बात कर दिया आप जैसे इज्जत बहुत करता हूँ मानो भारत के अंदर से बात नहीं करता हूँ मैं, आप नहीं मानना मेरे बच्चों को तुम खींच के मारो, तुम यहाँ तकलीफ नहीं हुई नहीं।
तक के बोल रहे ना आपके मम्मी लोग भरा पड़ा ऐसा मारे बच्चे आप न्यूज से है ना सर, एक वीडियो में सेंड करता हूँ मैडम इन्हों मारे को, या तो फिर मैं कल सोशल मीडिया पे डालता हूँ ओके। मेरे पास वीडियो है देखो वो सर उनका भी जो वीडियो, इधर आइए इधर आइए इधर आइए आप, मीडिया जो है ना खत्म कर दिए नहीं जी, तुम पूछ लो ना। आप तो झूठ बोल रहे, मेरा लड़का झूठ बोल रहा, वीडियो मेरा बेटा झूठ बोल रहा, आया वीडियो नहीं, अगर वीडियो लो बात कर रहे हो ना नहीं भाई, आई मां ने ऐसी कह रहा हो तो क्या बोल रहे मालूम दो एक ही बात हो गई, दो भी एक बात हो गई वीडियो है मैं वीडियो है मैं टेंशन ना करो, मैडम मारे और वो सार मारे फादर ने और इन्हों गोली मार दे तुम बोले थे फादर ने, फादर ने भैया फादर ने लाइसेंस है आपको, लाइसेंस है आपके पास,